लार्ज फैमिली पिज्जा ईटिंग चैलेंज। नंदलाल मिश्रा नाम का एक आदमी कई सारे व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाया हुआ था। उसकी एक बेटी और चार बेटे थे। सबसे बड़ा लड़का अभी डिग्री फाइनल ईयर में था, दूसरा बेटा पवन इंटरमीडिएट में था, तीसरा लड़का कपिल आठवीं क्लास में पढ़ता था, तो चौथा बेटा बबलू पांचवी कक्षा में था। बेटी की शादी हो गई और वो अमेरिका में रहती थी। एक बार बेटी का फोन आया, पापा आप और माँ आओ ना, आपको देखने का मन करता है, कहते हुए उसने पूछा। फिर नंदलाल की पत्नी, बेटी को देखकर दो साल हो गए जी, उसे देखने का मन कर रहा है। नंदलाल, ठीक है मुझे भी तो देखना है, सारे इंतजाम करने के लिए सेक्रेटरी से कहता हूँ, दो हफ्तों में बेटी को देखने चलते हैं। यूँ कहा वो खुशी से। तो फिर हमारे ये लड़के जो एकदम शैतान है, ऊपर से छुट्टियां भी है, पहले ही बहुत मस्ती करते हैं, जाने के पहले आप उन्हें जरा डर दिलाइएगा तो अच्छा होगा, यूं मुस्कुराते हुए बोली। नंदलाल भी मुस्कुराने लगा। अगले दिन वे कार में निकल रहे थे तो बच्चे वहीं खड़े थे, तब नंदलाल अभी से, रे भाइयों को ठीक से देखो, हम नहीं है सोचकर मस्ती मत करना और अच्छे से रहना, हम यहाँ नहीं है उस समय बुखार आएगा और खेल कूद में हाथ पैर टूट जाएगा, तो इमरजेंसी के लिए 10 लाख अलमारी में रखा हूँ, ये लो चाबी, कहते हुए चाबी दिया। फिर ड्राइवर कार को आगे लेकर गया। माँ पिता के जाने के बाद वो घर बच्चों के मन मर्जी हो गया, चीजें सब घर पर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। सबसे बड़ा अभी टीवी के आगे बैठकर वीडियो गेम्स में व्यस्त था, दूसरा वाला पवन डांस प्रैक्टिस कर रहा था, और तीसरा और चौथा वाला हॉल में ही क्रिकेट खेल रहे थे। तब कॉलिंग बेल बजा। अभी जाकर दरवाजा खोला आगे वाला व्यक्ति, एक्सक्यूज मी, मैं एवरेस्ट पिज्जा कंपनी वालों के तरफ से आया हूँ, हमारे कंपनी वाले पहली बार जो चीज किसी पिज्जा में नहीं था और नहीं होगा वैसे हमारे डीलक्स पिज्जा में है, उसका प्रमोशन के लिए सबसे पहले इस एरिया में आपका घर को ही चुना है। पिज्जा ईटिंग चैलेंज कॉम्पिटिशन को फैमिली के बीच ही रखने का निर्णय लिए है, जीतने वालों को 10,000 रुपए प्राइज मनी देंगे, कृपया करके आपके माता पिता को भी भाग लेने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, उनको जरा बुलाइए। यूं कहा वो सुनकर पवन, हमारे पेरेंट्स नहीं है, अमेरिका गए हैं, हम चार ही हैं। यूं कहा वो पिज्जा वाला, अरे ऐसा है क्या, कोई बात नहीं है, चैलेंज तुम चारों में ही मुकाबला करते हैं, हमारा पिज्जा को जो भी बिना एक पीस बचाए सबसे पहले खाएगा वही विनर होगा, कहते ही चारों बहुत खुश हुए। तब अभी, प्लीज कम इन, आपकी पिज्जा खाने के लिए हम चार तैयार है, कहाँ है पिज्जा जल्दी दीजिए। यूं कहा वो व्यक्ति बाहर वैन के पास जाकर बड़े गाड़ी के पहिए जितने बड़े पिज्जा लाकर उनके सामने रखा। तब अभी, इतने बड़े पिज्जा, यही है क्या डीलक्स पिज्जा, यूं पूछा। तब पिज्जा वाला, हाँ अब आप सब पिज्जा के सामने बैठकर तैयार रहिए, यूं कहा। चारों उसके सामने बैठे, पवन देखकर, वाओ व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, पिज्जा के ऊपर चिकन लेग पीस, फ्राई किए हुए फिश और प्रॉन्स पिस्ता बादाम की तरह दिख रहे हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कहते हुए खुश हो रहा था कि वो व्यक्ति वॉच देखकर, सब तैयार है, बिना गैप देना खाना होगा, अगर कोई बीच में उठा तो वो हार जाएगा, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, कहते ही चारों खाना शुरू किए। चार टुकड़े खाकर बबलू, मेरा पेट भर गया, नींद आ रही है, कहकर वही सो गया। तीसरा वाला कपिल भी, अब मैं और नहीं खा सकता, मुझे भी नींद आ रही है, कहकर सो गया। अब पवन आधा खाकर, इतना बड़ा पिज्जा अब बहुत स्वादिष्ट होने पर भी मुझसे खाया नहीं जा रहा है, मुझे भी नींद आ रही है, कहकर वो भी सो गया। अब अभी मुश्किल से पूरा पिज्जा खाकर, मैं ही जीत गया, मैं ही फर्स्ट आ गया, कहते हुए हाथ उठाकर उसी टेबल पर गिर गया। अब वो पिज्जा वाला अभी के जेब से अलमारी की चाबी निकालकर अलमारी खोलकर 10 लाख लेकर धीरे से वहाँ से निकल गया। अभी को होश आया और वो पवन को उठाकर देखा, तब तक अलमारी का दरवाजा खुला देखा। अभी अलमारी को देखकर, वो पिज्जा वाला हमें बेहोशी का दवाई देकर पिताजी के दिए पैसे चोरी करके ले गया रे, कहकर फोन मिलाकर पुलिस वालों को पूरी बात बताया। पुलिस वालों के साथ एसआई वहां आया,
घर की छानबीन कर एक कांस्टेबल से। घर के आंगन में चार और पीछे चार सीसीटीवी कैमरास है, तुरंत वो फुटेज को निकालो, यूं कहा। अगले दिन एसआई आकर अभी से, तुम्हारे ड्राइवर ने ही चोरी का प्लान किया है। सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारे पिताजी का तुम लोगों से बात करना, तुम्हें चाबी देना, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। उसे चार मारने पर वो अपनी गलती मान गया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर की जिम्मेदारी देकर गए थे और तुम गैर जिम्मेदारी हो गए, इसलिए ऐसा हुआ। तुम्हें खाने के लिए दिए हुए पिज्जा में नींद की गोली की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ऐसा लैब रिपोर्ट में आया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई। ये लो तुम्हारे पैसे। कम से कम अब से पराए लोगों की बातों पर यूं ही भरोसा मत कर लेना, कहकर पैसे देकर चले गया। इससे वे बच्चे चैन की सांस लिए। पिज्जा डिलीवरी। चंपापेट नाम के गांव में शाणा नाम का आदमी रहता था। वो हर वक्त सोचता था, लोगों को ठग के ही सही, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। वो सोचता रहा, एक दिन उसे एक आईडिया आया। उसने गांव में एक पिज्जा डिलीवरी सर्विस खोल दिया और पूरे गांव में पैम्पलेट्स भी वितरण कर दिए। पैम्पलेट में लिखा था, पिज्जा केवल 30 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, वरना पैसे मत दीजिए, मुफ्त का पिज्जा खाइए। इसके बाद गांव वाले फोन पर उसे पिज्जा डिलीवरी ऑर्डर देने लगे। राजेश नाम का लड़का पिज्जा बनाता था। शाणा उसे अपने स्कूटर पर ले जाकर डिलीवरी दे आता था। क्योंकि गांव में पिज्जा के वजह से नया स्वाद आया था, लोग भर भर के ऑर्डर कर रहे थे और इसके वजह से शाणा का अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन शाणा ने राजेश से कहा, आज से हमारे पिज्जाओं के नाम बदल डालेंगे। पनीर पिज्जा को स्पैनिश पनीर डिलाइट कर देते हैं, वेजिटेबल पिज्जा को वियतनाम वेजी डिलाइट कर देते हैं और चिकन पिज्जा का नाम शिकागो चिकन चिंग पोंग में मैं बदलने वाला हूँ। प्रिपरेशन वही रहेगा, सिर्फ डेकोरेशन बदल दो, टेस्ट वही रहेगा, रेट बदल जाएगा। राजेश दंग रह गया। इसके बाद शाणा उन पिज्जाओं के बारे में गाँव वालों को बड़ा चढ़ा कर बताता था और बेचता था। इससे उसका मुनाफा चौगुना बढ़ गया। एक दिन उस गांव में कबीर सिंह नाम का एक एसआई नया ट्रांसफर हो गया। उसका एक बेटा था जिसका नाम था जम्बो। वो एक भयंकर पेटू बच्चा था और वो गोल मटोल क्यूट सा था। एक दिन जम्बो शाणा के पिज्जा के दुकान पर आया। उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और खाया। पिज्जा उसे बड़ा पसंद आया। उसके खाने के बाद शाणा ने कहा, पिज्जा के 400 रुपए। जम्बो चौंक गया और पूछा, क्या 400 रुपए का? शहर में भी इससे कम में मिलता है। मेरे पास तो यही दाम है, पैसे दो और निकलो। जम्बो ने उसे पैसे दे दिए। फिर उसने शाणा का पोस्टर देखा। इसका मतलब 30 मिनट में पिज्जा नहीं पहुंचेगा तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। रोज पिज्जा ऑर्डर करूंगा और फ्री में खाऊंगा। 31 मिनट बाद खाऊंगा तो पिज्जा थोड़ी ना खराब होगा। दूसरे दिन उसने शाणा को फोन किया और 2 पिज्जा ऑर्डर कर डाले। 20 मिनट बाद शाणा पिज्जा लेके पहुंच गया। उसने कॉलिंग बेल बजाया। अंदर जम्बो वीडियो गेम खेल रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा पर दरवाजा खोला नहीं। फिर काफी देर तक शाणा बेल बजाता ही रहा। कुछ देर बाद जम्बो ने आकर दरवाजा खोल दिया। शाणा ने पिज्जा दे दिया। बिल 650 रुपए। अब टाइम कितना हुआ? 3:51। मैंने ऑर्डर कब दिया था? 3:20 पर। यानी कि तुमने 1 मिनट लेट से डिलीवरी दिया है। इसका मतलब दोनों पिज्जा फ्री। मैं तो 10 मिनट पहले ही आ गया था, तुमने दरवाजा नहीं खोला। चलो ठीक है, इस बार माफ करता हूँ, पर अगली बार से दरवाजा नहीं खोला तो पिज्जा तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, कहकर वो चला गया। दूसरे दिन जम्बो ने 4 पिज्जा ऑर्डर कर डाला। उस दिन शाणा तो 15 मिनट में ही पहुंच गया था। जैसे ही शाणा घर के गेट में घुसा, जम्बो ने अपना पालतू कुत्ता पिंटू को खोल दिया और पिंटू चिल्लाते हुए शाणा का पीछे पड़ गया। वो शाणा को पूरा घर का चक्कर कटवाने लगा और घर का चक्कर कटवाते कटवाते वो शाणा के पीछे भौंकता हुआ दौड़े जा रहा था। इस तरह 16 मिनट कट गए। तब जाके जम्बो ने पिंटू को इशारे से बुला लिया। पिंटू रुक गया, जम्बो को देखा और वापस चला गया।
शाणा कतराते हुए आया और जंबो को पिज्जा दे दिया। टाइम कितना हुआ? अरे ये क्या, तुम्हारा कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूं? क्या तुमने पैम्पलेट में लिखा है कि कुत्ता पीछे पड़ेगा तो डिलीवरी लेट होगा? नहीं लिखा ना, इसलिए मैं इनके पैसे नहीं दूंगा, कहकर वो अंदर चला गया। शाणा हक्का बक्का रह गया। तीसरे दिन जंबो ने अपने दोस्तों को घर पर बुला लिया और 10 पिज्जा ऑर्डर कर दिया। फिर दोस्तों से कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो बाहर चला गया। आज तो किसी भी हालत में 30 मिनट के अंदर डिलीवरी देना ही पड़ेगा। वो स्कूटर पर निकल पड़ा। वो उस तरफ आ ही रहा था, जंबो ने दीवार के आड़े से कीला वाला लकड़ी रास्ते पे डाल दिया। स्कूटर उस पर चढ़ा और टायर पंचर हो गया। अरे मर गया। फिर वो पिज्जा हाथ में लिया और दौड़ते हुए निकल पड़ा। शाणा जंबो के घर तक पहुंचा और टाइम देखा। आज तो वो 2 मिनट लेट था। ए, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, फिर से ऑर्डर मत कर। मैं समझ गया, मेरे गाड़ी का पंचर के पीछे तेरा ही हाथ है। तू ऐसा ही का बेटा है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता। पता पता मुझसे मैं क्या करूँ? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने शहर में ऐसी कोई पिज्जा नहीं छोड़ी। तेरे पिज्जा के नाम में और पिज्जा में कोई संबंध नहीं है। भला चाहता है तो रेट कम करके बेच, वरना सिर्फ मुझे ही नहीं गांव में किसी को डिलीवरी नहीं दे पाएगा। पापा को बताऊंगा तो दुकान उठ जाएगा तेरा। शाणा ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन से शाणा ने रेट कम कर दिए और शरीफी से पिज्जा बेचने लगा।